अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। या मित्रों, हम लोग यण संधि पढ़ रहे थे। आप लोगों ने यण संधि को बहुत मजबूत करने की कोशिश की होगी और उसके लिए हमने टेस्ट दिए थे आपको। यण संधि का ई वाला टेस्ट और ऊ वाला टेस्ट, ये दो अलग अलग टेस्ट हैं। री की संधि अभी यण संधि में आज पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इस टेस्ट को पक्का कर लेते हैं और उसके बाद में आगे चलते हैं। देखो, जो पांचवा टेस्ट है हमारा, यण संधि का पहला टेस्ट, उसमें पर्यंक शब्द दिया था आपको और पर्यंक का संधि छेद आप करके लाए होंगे, परी और अंक। मैं सोचता हूं कि आप लोग उन सब ने पर्यंक पलंग को कहते हैं, पलंग। परियंक जो सब ओर से हमको गोद में ले ले, वो परी और अंक है। दूसरा अध्ययन, अध्ययन का आप संधि छेद करेंगे तो इस ये में से ए निकाल करके अयन करेंगे और ये को ई में बदलकर धै की मात्रा लगा के आप अधि करेंगे। ये आपने किया होगा तो देखो ये अधि और अयन है, अध्ययन हो गया। उसके बाद में आद्युपांत, देखो ये एक अच्छा शब्द है शुरू से आखिर तक। इसी ये में से क्या निकल हो गया, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ, और ये हो जाएगा उपांत। और ये को बदलोगे आप ई में और ये है दै, दै आधा है दै, इसको ई दोगे तो ये आद्युपांत होगा। इसको ये तो ये आद्युपांत हो गया, इसमें थोड़ा सा गलत लगा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिए आप। दै के हल लगाइए मित्रों, यहां दै के हल लगाइए। आद्युपांत दया आधा है, यह के पहले दया आधा व्यंजन होगा, यण हल लगने से छूट गया आद्युपांत। अब देखिए आगे है अध्यापक, अधि और आपक, तो यह अधि और आपक आपने किया होगा। ये व्याकरण, ये भी हमने पढ़ा है व्याकरण शब्द, वी आकरण, आकरण वी और आकरण, व्याकरण हो गया व्यक्ति का, वी और अक्ति हो गया, अक्ति का अर्थ कल भी बताया था आपको, प्रकट होना। अध्यादेश, अधि और आदेश, देखिए अधिकार तो होता है उच्च स्तर का आदेश, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के स्तर से जारी होता है आदेश। आदेश तो कोई भी अधिकारी जारी कर देता है, लेकिन अध्यादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल ही जारी करेंगे, ये हमारा अध्यादेश। व्यष्टि है, वी और अष्टि, देखो वी उपसर्ग, अष्टि का अर्थ है इकाई, फिर यह आप ध्यान रखिए, कल भूल गए हो आप, एक इकाई, अष्टि का अर्थ है इकाई, तो व्यष्टि हो गया। प्रत्याशित, प्रति और आशित, आप कोई, आपने कोई काम किया और उसके बदले आपको आशा थी तो वो प्रत्याशित है। अप्रत्याशित जिसकी आशा ही नहीं हो और अचानक घट जाए, वो तो अप्रत्याशित आ गए, हमें उम्मीद ही नहीं थी कि वो आएंगे। हाँ मित्रों, हम लोग ऊ वाले शब्दों का टेस्ट थोड़ी देर बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें उस टेस्ट में री वाला भी एक शब्द है, पहले री को समझ लेते हैं हम और उसके बाद में ऊ को टेक करेंगे। देखो री के बाद अगर री को छोड़कर अगर और कोई स्वर आ जाए तो री बदल जाता है रे में। ये गुण संधि में भी री रे में बदला है, यण संधि में भी रे बदलेगा, आगे प्रत्ययों में पढ़ेंगे तो वहां भी री रे में बदलता है, री रे, ये हमारा बेसिक सोच होना चाहिए, री रे आधे रे में बदलता है। देखो अब संधि विच्छेद कैसे करें, ये ऐसा आ गया पितरादेश, तो पितरादेश में तरीका वही है, इस त्रय में से आ निकालो, त्रय पे आ की मात्रा लगी हुई है, ये आ की मात्रा, इसको आ निकाल लिया और बाकी देश लिख दिया, ये आदेश हो गया, तो ये पितरादेश हो गया, त्रय में से आ निकाला। और ये जो त्रय है, इस ये जो त्रय है, इस त्रय का मतलब है तय और रय, तय और रय, ये जो तय है इसी में ही रह लगा देते हैं और इसके बाद में हमारी ये ऊपर की पंखुड़ी काट देते हैं, ये त्रय बनता है क्षत्रज्ञ त्रय, इसमें ये ऊपर वाली पंखुड़ी तय है और ये रही रह। पहले इस त्रय को समझ लें, इसका मतलब ये त्रय में ये जो लगी हुई है वो रह है, तो इस रह को वापस अगर री को हमने रह में बदला है तो संधि विच्छेद में रह को किस में बदलेंगे, वापस री में बदलेंगे। तो देखो
इस रे को बदल देंगे इस री में। अब ये जो तय में री लगा हुआ है ये क्या बला है, इसको भी समझ लें। हर छोटी छोटी चीज को समझेंगे तो भ्रांति नहीं होगी। ये हमारी री की मात्रा, री की मात्रा ऐसे लिखी जाती है, जैसे देखो ये ऊ है, ऊ की मात्रा ऐसे लिखी जाती है, ये हमारी ई है, इसकी मात्रा ऐसे लिखी जाती है। उसी प्रकार से हमारे री की जो मात्रा है वो री की मात्रा ऐसे लिखी जाती है। अगर ये त्रि है हमारे यहां ऐसा लिखा हुआ है पित्री, इसका मतलब इसमें दो चीजें हैं, एक इसमें तय व्यंजन है ये दिख ही रहा है, और ये क्या है इसमें, ये री स्वर है संस्कृत का री स्वर, तय व्यंजन और री स्वर, इसका मतलब ये री है। तो अगर इधर ये रह है आधा रह, तो इस राख आधे रह को किस बदलेंगे री में। हम देखो इसको थोड़ा उल्टा करते हैं, ये पित्री और आदेश आदेश, अगर इसकी संधि करनी पड़े तो देखो इसमें दो बातें, इसमें एक है तय और एक है री, और री के बाद आदेश का आ गया, तो इस री को किस में बदलेंगे आधे रे में, और तय के बाद आधा रे में जाएगा तो ये बन जाएगा त्रय, और इसमें आ की मात्रा लगा देंगे त्रा, ये त्रा बन गया। इसका मतलब इस री को, ये क्या है री है, इस री को किस में बदला रे में बदला, बस इतनी सी बात समझ लीजिए। ये पित्री में त्री री है और री बदलेगी रे में, इसका अर्थ क्या हुआ, इस पूरी संधि में ये आएगा त्री और ये बदलेगा त्रय में, ये तो तय तय और ये बदल गया रे में। अब अगर ये त्रय आए तो इसको वापस बदल दीजिए त्री में, बस ये काम करना है, त्री बदलेगा त्रय में और त्रय बदलेगा त्री में। अब देखो ये त्रय बदला, ये है त्रय, इसको बदल दिया आपने त्री में, और त्रय में जो भी स्वर है उसको अलग कर दिया, ये बन गया पित्री आदेश, पिता का आदेश। तीन ही शब्द है हमारे, ज्यादा नहीं है, एक पित्री और एक मात्री और एक भ्रात्री, तीन शब्दों की संधि होती है हमारी री में, पित्री मात्री भ्रात्री। तो इसी में पित्री पितर बनेगा, मात्री मात्र बनेगा और भ्रात्री भ्रात्र बनेगा, बस इस बात को समझिए। देखिए ये पित्री आदेश हो गया, तो देखो इधर आ निकल गया और ये निकल गया। आगे देखिए मातृच्छा, अब इसका संधि छेद कैसे करेंगे हम, इसका संधि छेद देखिए ऐसे हो गया, इसकी ओ जो ई है ये वाली ई, ये तो ई आ गई, और इसका जो रह है त्रय में रह लगा हुआ वो रह यहां बदल गया, मातृच्छा हो गया मातृ इच्छा। थोड़ा सा ई का झंझट है उसको समझ लीजिए, समझ में, ये जो ई है वो तो ई आ गई और रे री में चेंज हो गया मातृच्छा। आगे देखिए भ्रातृपदेश, भ्रातृपदेश में त्रय में से क्या निकालोगे ऊ, ऊ निकालोगे त्रय में से ऊ, और इस रे को किस में बदलोगे री में, तो ये क्या हो जाएगा भ्रात्री, राइट। देखो ये भ्रातृपदेश इस में से निकाला, यहां पर ये ऊ निकाल दिया और इसका री निकल गया, ये भ्रातृपदेश हो गया। आगे देखिए ये मातृपदेश पटवार में आ चुका है 2011 में, क्या संधि छेद होगा, त्रय में से ऊ निकालोगे उपदेश और त्रय को बदल दोगे त्री में, मातृपदेश माता का उपदेश। ऐसे देखो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा विशेष सतर्क हो जाइए, पित्री अनुमति, इसकी संधि छेद कहीं पित्रानुमति मत कर देना, पित्रानुमति संधि नहीं होती, आ नहीं होता, क्यों नहीं होता, ए है, तो त्रय में से क्या निकालोगे ए, तो संधि विच्छेद करने में तो कोई दिक्कत नहीं, त्रय में से ए निकाला और अनुमति होकर के अनुमति हो गया, और इस त्रय को किस में बदला त्री में, पितृ अनुमति हो गया, पिता की अनुमति हो गया। आगे देखिए पित्रानुमति अशुद्ध शब्द भी अशुद्ध है, पित्रानुमति कहीं आप पित्र और अनुमति कर लो, पितृ अनुमति होगा,
क्योंकि वहां पर है मात्राज्ञा शब्द के मातृ आज्ञा आ निकल गया त्रिकोत्री में बदल दिया। इसी प्रकार से पितृष्णा, अब ध्यान दीजिए त्रय के ऊपर कौन सा स्वर है, ए, ए का कैसे करोगे, ए शैणा, ये आपने निकाल लिया ए, और त्रय को आपने फिर त्री में बदल दिया पितृ और एष्णा, इच्छा पिता की इच्छा, एष्णा करते इच्छा, तो पिता की इच्छा देखिए ये पितृ और एष्णा हो गया, इच्छा हो गया ये पितृष्णा हो गया। तो इस प्रकार से हम जो री है उसको रे में बदलेंगे और जैसा भी है। अब देखो यहां पर एक साथ देखो पित्रादेश आ आ, पितृच्छा ई ई, पितृपदेश ऊ ऊ, मातृपदेश ऊ ऊ, पितृनुमति ए ए, मात्राज्ञा आ आ, और पितृष्णा ए ए। जिसको स्वर का ध्यान है कि त्रय के मात्रा कौन सी लगी हुई है, उस मात्रा के अनुसार स्वर को आ ई ऊ ए निकाल लीजिए, और फिर जो त्रय है उसको त्री में बदल दीजिए। संधि करेंगे तो त्री को त्रय में बदल दीजिए, संधि विच्छेद में त्रय को त्री में बदल दीजिए, नीचे लगा दीजिए। बस री की यण संधि से हम लोग इस प्रकार से हम लोग गुजर गए। अब देखो हिंदी का जो छठा टेस्ट है जो आप लोग करके लाए हैं उसमें ये, क्योंकि ये मसला था पितृपदेश का, ये संधि का टेस्ट था, तो पितृपदेश में इस त्रय में से ऊ निकालोगे ऊ और त्रय को त्री में बदलोगे, ये हो गया पितृपदेश। अब देखो स्वच्छ, स्वच्छ में आप किए हुए सु और अच, इसी प्रकार से तनवंगी, तनु और अंगी, दुबला, दुबले अंग वाली, अनवय, अनु और ए, एक के बाद दूसरे का आना, अनु यानी बाद में पीछे, अनवीक्षा बाद में जाकर के, ईक्षा यानी देखना, अनु और ईक्षा जांच करना विश्लेषण करना, स्वस्ति, सु और अस्ति, अस्ति यानी है शुभ है जो अच्छा है, अन्वेषण, अनु और एषण। ध्यान रखिए यहां पर एक है तो इसके ऊपर मात्रा न लगा दें, मात्रा लगाया हुआ विकल्प आएगा आपकी जान को, तो वहां पर ऐसा नहीं हो कि कहीं आप इसको चुन लें क्योंकि इधर भी मात्रा है सब इधर भी मात्रा है, ये पहली कक्षा का सवाल है। ए का मतलब होता है एक मात्रा और आई का मतलब होता है दो मात्रा, बार बार समझ लीजिए इसको, ये बहुत ही भ्रांतिजनक मसला है। इधर एक मात्रा है तो ए सही है, आई सही नहीं। अब मित्रों हम लोग अयादि संधि पढ़ते हैं, ये अंतिम पांचवी स्वर संधि है, एग्जामिनर का ध्यान इस संधि पे जाता है। उस चलो ठीक है स्वर संधि गुण संधि वृद्धि संधि देख लेते हैं, लेकिन अयादि संधि लड़के को आता है कि नहीं, विद्यार्थी को आता है कि नहीं, इस पर उसका फोकस होता है। तो देखो हम इसको पक्का पक्का सीखेंगे, मास्टर हो जाएंगे आप अयादि संधि के, आप इसमें गलती नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ ट्रिक्स है, उन ट्रिक्स को समझ लीजिए, अयादि संधि पक्की। देखो पहली बात तो ये कि संधि होती किसकी है, हमारे पास अब चार स्वर बच गए, हम ए आ ई ई ऊ और री तक तो आ गए, अब बच गए ए आई और ओ और औ। इनके बाद अगर कोई अन्य स्वर आए, असमान स्वर आए, ये नहीं होने चाहिए। ऐसी स्थिति में ए तो बदलता है आई में, आई बदलता है आई में, ओ बदलता है औ में, और औ बदलता है आव में। अब देखो ये अय, ये तो अय है ही, और ये सब हो गए आदि, एटसेट्रा हम लिखते हैं ना एटसेट्रा, ये वो अय है आदि। जिस संधि का परिणाम अय आदि होता हो उसको कहते हैं अयादि संधि, अय आदि संधि, यानी जो अय आय अव आव बनाती हो, परिणाम के आधार पर संधि का नामकरण, यहां भी यही है अय आदि संधि, ये इसका नाम हुआ सब। अब देखिए आप यण और अयादि की पहचान, ये आपकी जान को झंझट है, क्यों झंझट है, देखो यहां भी यह बन रहा है और वह बन रहा है, यण संधि में भी आप पढ़ चुके ई ई और यह बनता है ऊ वह बनता है, अब इनमें सब में यह और वह आएंगे, कौन सा यह यण संधि वाला है और कौन सा अयादि वाला है, कौन सा वह यण संधि का कौन सा अयादि वाला है, यह हमारा संकट है। देखिए यण संधि में ई बदलता है यह में, और अयादि संधि में
ए बदलता है आय में, और इन दोनों में यह आता है। देखिए उदाहरण देखिए, इत्यलम और नयन, दोनों में यह है। अब कैसे पहचानेंगे कि यह यण है और अयादि है? अब जानते हैं अच्छी तरह से, यह के पहले अगर स्वर रहित व्यंजन है तो वो यण संधि है। स्वर रहित व्यंजन आधा तय है ना, यह आधा तय। देखिए इस यह के पहले न में न आधा नहीं है, न में क्या है? न में है ए। इसका मतलब इस यह के पहले स्वर है ए। नयन में न में ए स्वर है, न व्यंजन नहीं, न में ए स्वर समझिए। लेकिन यहां पर यह के पहले तय व्यंजन है, इसका मतलब यह आ जाए, अगर यह के पहले आधा व्यंजन आएगा तो यण संधि है। और यह के पहले स्वर दो ही आएंगे, या तो ए आएगा या आ आएगा, बस ये दो ही आएंगे, या तो ए या आ। इधर भी ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब यह के पहले आधा व्यंजन है, उससे पहचानेंगे कि यह संधि कौन सी है। आप देखिए ऊ व में बदलता है यण संधि में, और ओ भी अव में बदलता है। ये ओ बदल रहे हैं ना अव में, और आव में बदल रहे हैं। इसका मतलब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा व यण संधि का है और कौन सा अयादि का है? देखो इस व के पहले क्या है? स्वर रहित व्यंजन आधा व्यंजन न, और इस व के पहले क्या है? पै में कौन सा स्वर है? ये रहा पै, और पै में स्वर कौन सा है? ए। तो इस व के पहले तो ए आ गया। इसका मतलब ये अयादि संधि है, यण संधि नहीं है। आ तो देखो अनव, व के पहले आधा व्यंजन होने से ये हो गया यण, और वह पूरा है, वह के पहले पै पूरा है, उसमें स्वर है, तो फिर यह अयादि संधि हो गया। इसका मतलब यण और अयादि संधि की पहचान से हम लोग गुजर गए। अब देखिए इसको सीखते हैं हम लोग, अयादि संधि में क्या बात है। यह चयन आ गया, चयन देखिए। अब इस चयन को संधि विच्छेद कैसे करते हैं? तो देखो यह चयन है, इसके हमने इनके बारीकी से व्यंजन और स्वरों के टुकड़े करना हमें आना चाहिए। यह प्रक्रिया है और यह मुश्किल नहीं है, समझ में काफी चीज समझ में आती है और काफी चीज सीख लें। देखो यह में से ए निकाल करके अन बना दिया एक। अब हमको टेस्ट इतना सा करना है कि यहां यह तो है ही, अब यह के पहले चय में ए है कि आ है? ए है, तो आए यह निकल गया और चय में से ए निकल गया आए, और ये अय बनता किससे? ए से, ए से बनता है। तो देखिए अब हुआ क्या हुआ, ये कि इधर तो चय को ले लिया व्यंजन, चय व्यंजन, और चय के बाद में यहां आ रहा अय, अय बनता ए से, तो ये ए, और चय और ए को जानेंगे तो क्या बनेगा? चे। तो फिर संधि विच्छेद क्या हो गया? चे और अन, चयन हो गया। मान लीजिए कोई शब्द होता चायन, कोई शब्द है नहीं, संधि को समझने की दृष्टि से अपन बात कर रहे हैं, चायन, चायन होता तो बहुत से लोग, तो आप लोगों ने सोच लिया होगा कि क्या हुआ होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे सभी विद्यार्थी मजबूत बने। देखो यह में से क्या निकालोगे? ए, न, अन निकालोगे। अब इधर क्या बचा? यह, और यहां स्वर कौन सा है? आ, तो आय हुआ। आय से क्या बनता है? ए बनता है कि आई बनता है? आय से बनेगा आई, और आई की मात्रा कितनी होती है? दो, और दो मात्रा किस पे जाएगी? चय पे। तो फिर ये इसका संधि छेद क्या होगा? चय प्लस अन। देखो यहां हुआ था चे प्लस अन, क्योंकि यहां पर यह के पहले ए स्वर है, और यहां पर यह के पहले आ स्वर है, आय, आय से आई बनेगा, तो दो मात्रा। इस प्रकार से हमारे यह हो गया। देखो ये गायन है, गायन। अब आप सोचिए यह में से तो एर ने अन निकल गया, ये सब प्रत्यय, ये प्रत्ययों की संधि है, प्रत्यय काफी सीखेंगे, यादि संधि में सब प्रत्यय हैं। तो देखो ये अन हो गया, अब बचा क्या हमारे पास? एक तो यह बच गया, यह में से ए स्वर तो ये चला गया ये, और यहां स्वर कौन सा है? आ, आ, आय से क्या बनेगा? आई, और आई की मात्रा कितनी होती है? दो, तो दो मात्रा किस पे जाएगी? गैप है, तो ये क्या बन जाएगा? गई, ये गई और अन हो जाएगा, गायन। तो हमें ध्यान रखना है कि यह के पहले ए है या यह के पहले आ है, इस बात को अगर समझ गए
तो हम लोग यण संधि को समझ गए। ये मसला ये का था, चय यह न, ये मसला वै का है। अब वै का आ रहा है तो आप समझ जाइए, सतर्क हो जाइए कि क्या मसला ए और आई का है क्या? जी नहीं, ये मसला है वै का। देखो ए आई इससे बनता है यह, बोल के भी देखिए, ए यह, ए यह, और यह है ओ और औ, और इनसे क्या बनता है वै। मैं ए और वै का अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि इनके पहले आए आओ और औ आओ बनता है वो अलग बात है, बात केवल यह और वै की है। ए आई जीभ से बोले जाते हैं, ए आई ए यह, इनका संबंध यह से, जैसे ई का संबंध यह से यण संधि में, ऐसे ही ए का संबंध यह से। और ओ होठों से बोला जाता है, ओ औ दोनों ओष्ठ हैं, होठों से बोले जाते हैं, वह भी ओष्ठ है, ओ वह, ए यह, ओ वह। रटने का मसला नहीं है मित्रों, समझने का मसला है। ए आई का संबंध है यह से, ए यह उच्चारण की समानता है, ओ औ ओष्ठ है इसलिए ओ औ बदलेगा वह में आ। तो अब आप यहां देखिए धावक वह आ गया, तो क्या करेंगे अब आप? काफी लोग तो खुद ही इसका संधि विच्छेद मन में कर लिया होगा। देखो वह में से क्या निकला लेंगे, ए, और आगे लिखा गया क, ये अक हो गया, ये हमारा फिर प्रत्यय अक। अब इधर वह में से क्या निकालोगे, वह। अब आप सोचिए कि वह के पहले स्वर कौन सा है, आ, ये आ, ये रहा आ। आव से बताइए, आव से ओ बनेगा या औ बनेगा? तो आव से बनेगा औ, दो मात्रा, और दो मात्रा लगेगी किसके, धै के, तो इसका संधि छेद क्या हो जाएगा, धौ, धौ यानी दौड़ना, दौड़ने वाला, धावक। अब देखो यही बात हमारी आगे चल रही है, ये धौ, इस सारी प्रक्रिया को समझिए। हमारे यहां पर ये वै में से थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ये वै में से ए निकल गया, और ये आव, इस आव से ये आव निकल गया, और आव औ में बदला, और औ धै पे औ की मात्रा गई, और ये धौ और अक हो गया, ये धावक हो गया, धौ और अक धावक। ओके, अब देखो इस पैटर्न पे ये हमने आय और औ वाली संधि का कुछ उदाहरण किया। अब आपको खुद को देना है, देखो अब तैयार हो जाइए, आप में से दायक शब्द है परीक्षा में आ गया दायक, और चार विकल्प आ गए, अक तो कॉमन है सब में, लेकिन दे दई दो दव, दे में कौन सा स्वर है, ए, दई में कौन सा है, आई, दो में ओ, और दव में औ। ये मात्राएं लगी हुई है देखे। अब आप देखिए दायक में से क्या चुनेंगे आप, इसमें है क्या भला, इसमें ये तो रहा यह, तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ये पहला वाला विकल्प किसने चुना, ए, मन में अच्छी तरह सोच लीजिए। दूसरा वाला किसने चुना, दई। तीसरा वाला ओ किसने चुना, और चौथा वाला औ किसने चुना? तो देखो मित्रों इसका जो आंसर है वो दई और अक है, आप में से काफी लोगों ने इसको चुना होगा। उसका कारण देखो क्या है, ए, इसको देखो अच्छी तरह से, यह आ गया, यह आ गया तो इसका मतलब इसका संबंध किससे, ए और आई से है, तो ओ और औ के जो विकल्प हैं वो तो वैसे ही कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, और औ का संबंध किससे है, वैसे तो यहां तो यह बैठा हुआ है, यह बैठा हुआ तो और औ तो हो ही नहीं सकता, तो ये दो बचे हमारे पास, ये तो वैसे गलत हो गए। अब सवाल है कि यह के पहले ए है कि आ है, आ है, आ है तो फिर ये भी कैंसिल और दई हो गया, दई और अखदायक, लाभदायक, फलदायक, दायक यानी देने वाला, फलदायक, तो दायक शब्द है, तो यह आने के कारण ए और आई के विकल्प सही, और यह के पहले आ आने के कारण दूसरा विकल्प सही। अब देखिए फिर चलते हैं, ये पवन है,
और पौन के चार विकल्प हैं, पे, पई, पो, पौ। सोचिए पहला वाला विकल्प किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है और चौथा किसका है। यहां क्या बैठा हुआ है, वह वह अगर है तो ए और आई नहीं हो सकते, पहला और दूसरा दोनों कैंसिल, अब तीसरे और चौथे में से होगा। तीसरे में बताइए वह के पहले ए है क्या, वह के पहले क्या है, पै में कौन सा है, ए तो औ बनेगा और औ बनेगा किससे बनेगा, ओ से, तो इसका विकल्प कौन सा सही हो गया, पोर अन पवन है ओ। ये ध्यान रखिए वह के पहले ए है, अगर आ होता ये होता पावन, ये पावन होता, पावन यानी पवित्र, तो फिर बात दूसरी थी, तब फिर पऊ होता, लेकिन ये तो पवन है पो के अर्थ में, और पो का अर्थ क्या होता है, बहना, इसलिए वैसे ही इस अर्थ में ये है। चलिए ये पावन शब्द है, देखिए दोनों का कंपैरिजन कीजिए, इस तुलनात्मक दृष्टि से हमको समझ में आ जाएगा, पावन पे पई, क्योंकि वह आ गया इसलिए पहला और दूसरा तो इसलिए गलत हो गया, और वह के पहले क्योंकि आ गया तो फिर ये तीसरा गलत है और ये चौथा सही होगा। पऊ का अर्थ जलाने वाला, तो यहां पर तो पऊ का अर्थ जो है अक के अर्थ में तो जलाना है, लेकिन यहां पावन का अर्थ है जो बुरी चीजों को नष्ट करता है और पवित्र बनाता है, चीजों को शुद्ध कर देता है, सोने को जलाया जाता है और पवित्र हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो पावन है, तो शुद्ध करना, जलाने से चीजें शुद्ध हो जाती हैं, उस अर्थ में ये हमारा अर्थ देता है। देखो ये विधायक शब्द है, अब फिर आपको चुनना पड़ेगा, विधायक चार विकल्प दे दिए, विधे, विधई, विधो, विधौ, अक्तो प्रत्यय सबका सही है, कॉमन है, अब सवाल ये इनमें से क्या चुनेंगे, तो देखिए पहले वाला कौन, दूसरा, तीसरा और चौथा, हो सकता है चौथे में आप में से कई हो। देखो मित्रों क्या है यहां पर, यह है कि वह है, यह है, यह है तो फिर और औ नहीं हो सकते, और औ तो वहां होते जब यहां वह होता, वह तो है ही नहीं, इसका मतलब है ये नहीं हो सकते, तो ये तो हो गए गलत। अब पहले और दूसरे की टक्कर है, तो यह के पहले क्या है, आ है, आ है तो फिर यह पहला गलत, विधेयी होगा, ये विधायक हो गया, तो विधि तो कानून को कहते हैं और अख्यानी बनाने वाला, कानून बनाने वाला, तो विधायक है, इसमें वी उपसर्ग और है। अब देखिए आप ये शावक है, शावक में देखिए, शावक शे शई शो शव, अब आप बिल्कुल अच्छे मास्टर हो गए होंगे, शावक का संधि छेद करेंगे, पहले आप ढूंढेंगे इसमें यह है कि वह है, वह है, वह है तो फिर ए और आई, शे और शई, कहीं शई के चक्कर मत आ जाओ, क्योंकि इधर आ है, आ आई में भी होता है और आ औ में भी होता है, लेकिन पहले देखो वह है, पहले इसकी पहचान कीजिए, वह तो ए और आई गलत, अब इन दो में से विकल्प है, दो में से वह के पहले आ है तो फिर ये भी गलत, तो हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा। शावक पशु पक्षियों के बच्चों को कहते हैं, मृग शावक, खग शावक, खग यानी पक्षी, पक्षियों के बच्चे खग शावक, मृग शावक जो हरिण का बच्चा है, तो वो भी है। अब देखिए आप शावक और शायक की तुलना कीजिए, इस तुलना से हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, अंतर किसका, यहां है वह और यहां है यह, अगर यहां यह है तो फिर ये और ओ नहीं हो सकते, और औ विकल्प गलत, अब ऊपर में यह के पहले यहां भी आ है तो फिर ये भी गलत, शायक बाण को कहते हैं, शायक यानी तीर बाण, ये हमारा विकल्प सही होगा। देखिए तो देखो किस प्रकार से हम लोग इस बात को समझें कि शावक में शव और अख होगा और शव और अख शायक में नहीं हो सकता और शायक में शई और अख होगा और ये मसला है वै का और इसका। इस तरीके से मास्टरी के साथ हमको अयादि संधि सीखने की जरूरत है मित्रों। अब देखो कुछ विशेष प्रकार के शब्द बता रहा हूं मैं आपको, ऐसी परीक्षा में आते रहे हैं, आ सकते हैं,
आजकल एग्जामिनर इतना कॉम्पिटिशन है कि इतने शब्द आ चुके होते हैं, वो नए शब्दों की तलाश में रहता है कि मैं इस परीक्षा में नया शब्द क्या दूं, क्योंकि होशियार बच्चों को छांटना होता है। तो इसलिए हमारा थोड़ा सा समझने का विस्तार होना चाहिए। परिष्कार इस बात की बराबर कोशिश करता है कि यहां के होशियार बच्चे निश्चित रूप से अच्छी मेरिट में आए। तो देखो, एक मैं शब्द दे रहा हूं, गो। गो का पहले अर्थ समझ लीजिए। गो का संस्कृत में अर्थ है गाय, गौ नहीं, दो मात्रा नो, ये मानक रूप नहीं, गो है। और कुछ लोग गौ मान लेते हैं, गौ नो। संस्कृत में गाय के लिए जो मानक स्टैंडर्ड शब्द है वो है गो, ये गो है। ये अब गय के बाद, गो के बाद में यह प्रत्यय हो गया, ये यह प्रत्यय, ये भी यह प्रत्यय, यानी संबंधित, दंत यह, दंते, दंत से संबंधित, तो गो यह गाय से संबंधित, ये गो प्लस ये आ रहा है। अब देखो इसमें क्या होगा, गय के बाद क्या है, इसके गय के टुकड़े करो। एक तो गय है, गय व्यंजन है, ओ, ये ओ स्वर है और यह है ही, इसका मतलब ओ के बाद ये आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि साहब यहां ओ के बाद स्वर तो आया ही नहीं, तो फिर अयादि संधि कैसे हुई? बहुत सही, आपके अनेक लोगों के दिमाग में आएगा कि ये तो व्यंजन है, तो फिर अयादि संधि कैसे होगी? मित्रों, हमारे पास यह और वह, इन दोनों की प्रकृति स्वर जैसी है, इनको अर्ध स्वर कहते हैं। आधे तो स्वर है और आधे व्यंजन है। आप जानते हैं ई से ही बनना है यह और ऊ से बना है वह, थोड़ा सा ही तो परिवर्तन है, ई यह, ऊ वह। इसलिए आप यह को और वह को स्वर ही समझें और स्वर समझ करके इस संधि को सीखने की कोशिश करें। तो ओ के बाद यह आ गया, तो इसको स्वर समझें। अब देखो क्या होगा, ये जो आ गया गो में से ओ निकल गया, अब ओ किस में बदलेगा? ओ बदलेगा औ में, है हम पढ़ चुके, ओ औ में बदलता है, औ ओ में बदलेगा, ये उल्टा सीधा हो जाएगा, संधि छेद में औ को ओ में बदल देंगे। तो देखिए ओ औ में बदला, तो संधि हो गई, जो संधि मीन्स परिवर्तन, जो गय तो गय ही रहा, ओ बदल गया औ में, यह ही रहा, ये हमारी संधि हुई। अब देखिए, अब इनको मिलाएंगे तो गय और ए मिलके क्या बना, पूरा गय बन गया, गय। और वह के बाद व्यंजन आ रहा है, तो वह आधा ही रहा और ये हो गया गव्य, तो ये गव्य हो गया। हमारे यहां पर गाय से संबंधित पंचगव्य होता है, पांच चीजें गाय से संबंधित, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये पांच पंचगव्य हैं। आजकल इनके इलाज के बारे में इनसे दवाएं बनती हैं, ये पंचगव्य है, संस्कृत का शब्द है, आयुर्वेद का शब्द है, पंचगव्य, पांच गाय से संबंधित चीजें। ये गव्य बना किससे? गो, ये गो से संबंधित, तो गो में ये आने से ओ ओ में बदला, ओ ओ जो है औ में बदला और ये बन गया बन गव्य। मित्रों, ये हमारा पंचगव्य है। अब देखो ये गो ईश, गायों का ईश कृष्ण भगवान, देखो गय में ओ आया और फिर आगे ईश, और ये गय में ओ, और इसके बाद में ओ बदलेगा किस में? औ में। और अब देखो ये गय और ए मिलके क्या बना? ये गय बना, और वह और ई मिलके क्या बना? वी, और शय तो है ही, तो ये क्या बन गया? ये मित्रों बन गया गवीश, गवीश, गोरीश, उसी तरह से पैटर्न, इसका ओ औ में बदला और बाकी ईश ये हो गया, ईश में तो ईश्वर है ही। अब देखिए अपवाद, इसमें गो और अक्ष, पहले तो अक्ष समझिए, अक्ष क्या? अक्ष धुरी होती है, लेकिन यहां गाय की आंख के बारे में बात है, और इसलिए मूलतः संस्कृत का शब्द है ये अक्षी, ये गो अक्षी भी आ सकता है, अक्षी, अक्षी का अर्थ गाय की आंख। ये देखो गाय की आंख है ऐसी, आदमी की आंख तो छोटी सी होती है, यहां छोटी सी होती है आंख, ये गाय। अब ऐसे ही देखो, ये जो गाय की आंख जैसे ऐसे झरोके ऐसी जालियां बनती है, और इनको कहते हैं हम लोग गवाक्ष, ये गवाक्ष कहते हैं, गवाक्ष शब्द आपने सुना है,
परिचित है, गवाक्ष गोखे बोलते हैं उसको, गोखे भी बैठने के दरवाजे पे होते हैं वहां से भी और ऊपर से भी, उन जालियों से हमारे पुराने स्त्रियां जो है उन गाय की आंख जैसी बड़ी बड़ी उन जालियों से देखते थे, उनको गवाक्ष कहते थे। तो ये गो और अक्ष है, अक्ष को अक्षी समझे, गाय की आंख। अब देखिए इसमें क्या हुआ, गय का तो गय ही, ओ में बदल गया, ओ ये हो गया हमारा, और अक्ष है। अब देखो आगे चल करके ये गवक्ष शब्द बनता है, क्योंकि गय और ए मिलकर के ये गय पूरा बन गया, और वै और ए मिलकर के वै पूरा बन गया और अक्ष। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इसको गवक्ष नहीं बोला, हमारे बुजुर्गों ने बोला इसको गवाक्ष। आ ले आए, अक्षी में तो ए है, ए ही तो है, आ कहां से आया, लेकिन हमारे बुजुर्ग बोल गए गवाक्ष, बोल गए तो बोल गए, वो शुद्ध है। अब हमारी दृष्टि से देखो समझने की बात क्या है, समझने की बात क्या है मित्रों, यहां ए के स्थान पर आ गया, इस बात को समझेंगे हम, यही तो अपवाद है। अब एक तो गो रक्ष की संधि क्या होगी, गवक्ष नहीं गवाक्ष, ए को आ करोगे आप, और दूसरा गवाक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा, गवाक्ष का संधि विच्छेद होगा गोर अक्ष, आक्ष नहीं, वह में से आ नहीं निकालोगे, ये आ नहीं निकालोगे, ए निकालोगे। इसलिए आप ये समझिए गो और अक्ष की संधि गवक्ष नहीं है, गवाक्ष है, और गवाक्ष का संधि विच्छेद गोर अक्ष है, और इसमें अपवाद है, ए इसमें आ बन गया, ये है तो ओ लेकिन ये औ जैसा हो रहा है, तो ये वैक में आ रहा है, ये अलग है वहां पर। तो इस प्रकार का अपवाद इस शब्द में होने के कारण हमको विशेष रूप से इसको समझना चाहिए। अब हम अभी स्वर संधि में कुछ बाकी है, उसमें कुछ विशेष प्रकार के अपवाद हैं, और उनमें से पिछली परीक्षाओं में आरएस तक की परीक्षाओं में उन अपवादों में से संधि विच्छेद और संधि करवाया गया है, इसको पूछा गया है, इसलिए हम उन खास अपवादों को अलग से हमने एकत्र कर लिया है, हम उसको करेंगे और उसके बाद में फिर हमारी स्वर संधि का समापन होगा। तो हम उन अपवादों को पढ़ते हैं। तो ये है स्वर संधि के देखो विशेष रूप, जिनको अपवाद भी हम कहते हैं। उसमें देखो आप, पहला नियम तो क्या है, नियम तो है कि ए के बाद ए आ जाए या आ जाए तो आ होता है, ये दीर्घ संधि में पढ़ चुके हैं। लेकिन अपवाद यह है कि ए के इस ए के बाद कोई ए आ नहीं आ रहा, और ये सीधा ही ए आ बन रहा है, ये सीधा ही ए आ बन रहा है, ये अपवाद है। तो देखो ये स्वर संधि से एक अपवाद का मसला है, इसको सत्यनाश जैसे शब्द है। अब देखो सत्य में इस ये में तो ए है, लेकिन इधर तो न है, न तो व्यंजन है, न व्यंजन है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने क्या बोला, इसको सत्यानाश बोल दिया। आप देखिए यहां है ए और वो बन गया आ, ये आ बन गया ना, सत्यानाश। बहुत गुस्से में होते हैं हम लोग, गए हमारी महिलाएं बोलती है तेरा सत्यानाश जाए, नहीं वश में चलता तो ये कहते हैं सत्यानाश। सत्यानाश का मतलब क्या सत्य का अनाश होगा, ना नाश का विलोम थोड़े करेंगे, सत्य ही तेरा नष्ट हो जाए, तेरे पास जो कुछ अच्छा है वो सब नष्ट हो जाए, दुष्ट, ये शब्द है इसका सत्यानाश का। तो यहां हुआ क्या है, यहां ए आ में चेंज हो गया, मूल शब्द में सत्य में ए है, अब यहां हो गया आ, यह है सत्यानाश। विश्वमित्र देखो आरएस में आया हुआ है, विश्वमित्र, और ये विश्वामित्र हो गया, विश्व पर जोर दिया, जो विश्व का पूरे विश्व का मित्र है वो है विश्वामित्र, तो ये विश्वामित्र हो गया। अब देखो इसमें चक्कर में कैसे पढ़ सकते हैं, विश्वमित्र का विश्वामित्र तो बहुत सही है, आसान है, लेकिन देखो ये विश्वामित्र है शब्द आ गया हमारे पास, और संधि किया हुआ शब्द, हमें संधि नहीं करनी, संधि किया हुआ आ जाएगा, ऐसे आ गया विश्व और अमित्र। तो हमने सोचा यहां ए है और यहां ए है और एर ए आ होता है, तो यहां पर आ हो गया, तो इसका मतलब मामला सही है,
हमने अमित्र को सही मान लिया क्योंकि ऐर है, हमने दीर्घ संधि या नियम की संधि समझ ली, और इस चक्कर में ऐसे ही चक्करों में पड़ते हैं हम, तो नियम से चल रहे हैं और वहां अपवाद आ रहा है। मित्रों देखो, अगर अमित्र से संधि विच्छेद कर देंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हम विश्वामित्र उसको कहेंगे जो विश्व का दुश्मन है, विश्व का जो मित्र ही नहीं है, अर्थ का अनर्थ कर दिया हमने। तो इसका संधि विच्छेद, विश्व का जो मित्र नहीं है, दुश्मन नहीं है, वो स्वीकार कर लिया, हम नियम का पालन करने लगे और अर्थ का अनर्थ हो गया। भाषा में अर्थ प्रमुख चीज है, नियम तो अपवाद हो सकते हैं लेकिन अनर्थ हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं है। विश्वामित्र जो हम कहते हैं, विश्वामित्र है, हम में से एक दो पांच के मित्र होते हैं, जो पूरी दुनिया का मित्र हो, पूरे दुनिया के मदद के लिए, भले के लिए सोचे, वो है विश्वामित्र। हमारे बुजुर्गों ने उसको विश्वमित्र नहीं कह के कहा, विश्वामित्र अधिक जोर दिया। ऐसे जोर देने से जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ हो गया, ऐ आ में हो गया। ऐसे ही देखो हमारे कितने ऐसे शब्द हैं, अष्टवक्र, एक ऋषि थे, आठ जगह से टेढ़े थे विद्वान, लेकिन हमारे एक दो जगह से टेढ़े हम कहीं हो जाएं कोई बात नहीं, किसी का हाथ थोड़ा मुड़ा हो, किसी गर्दन मुड़ी हुई हो, लेकिन जो आठ जगह से टेढ़ा हो, वक्र यानी टेढ़ा, उसके आठ जगह पर जोर देने के लिए उसको कहा अष्टावक्र, अष्ट पे जोर दिया कि एक दो जगह से नहीं, आठ जगह से अष्टावक्र हो गया। अब देखो वक्र में वहां कोई ऐ नहीं है और इसका सीधा ही ऐ आ में चेंज हो गया, अष्टावक्र। मूसल धार, मूसल के समान मोटी धार वर्षा की गिरे, मूसल के समान, और उससे हमारे बजर बन गया मूसलाधार। अब देखो यहां पर भी एक बहुत भ्रांति हो सकती है, ये मूसलाधार शब्द आ गया, मूसलाधार, और इसका संधि विच्छेद आ गया मूसल प्लस आधार, तो हमको लगेगा ये रा ए मूसल का ए और ये रा आ, तो एर आ यहां आ हो गया, बिल्कुल सही है। तो हम मूसलाधार का संधि विच्छेद मूसल आधार आया हुआ मान लेंगे और यहीं पर 0.66 नेगेटिव मार्किंग करवा देंगे। अरे मूसल का आधार तो ओखली होती है, क्या ओखली की वर्षा हुई? मूसलाधार वर्षा हुई थी, इसमें मूसल का आधार का मतलब ही नहीं है, मूसल के समान मोटी धार का अर्थ है, धार गिरेगी ना वर्षा की, तो धार है इसका मतलब। हम इसका संधि विच्छेद मूसल प्लस आधार नहीं कर सकते। और देखिए आप, छोटी और बड़ी, ये मामला ए और आ का था, अब छोटी और बड़ी में देखिए, देखो एक शब्द है हमारा प्रतिकार, कार का मतलब काम, कार मीन्स कार्य, लेकिन एक ने कोई बुरा कार्य किया और आपने उसका बुरा कर दिया, वो प्रतिकार है। प्रतिकार का फिर अर्थ है बदला लेना, बदला लेना, ये तो इसका अर्थ समझिए। अब हमारे बुजुर्गों ने इसको प्रतिकार भी कहा, ये शब्द भी कहा। देखो प्रतिकार शब्द भी चलता है हिंदी में बदला लेने के अर्थ में, ये शब्द भी सही है, और प्रतिकार भी, जोर दिया, गुस्से में बोला मैं प्रतिकार लूंगा तुमसे, तो जोर देने के कारण बिचारी छोटी किस्म बदल गई, बड़ी बदल गई। अब संस्कृत में दोनों ही शब्द शुद्ध हैं, ये प्रतिकार शब्द भी शुद्ध है और अगर छोटा आ जाए तो भी शुद्ध है, प्रतिकार, ये दोनों ही शुद्ध है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से दोनों सही, लेकिन इस प्रतिकार में कोई संधि नहीं है, संयोग है, क्योंकि प्रति प्रति है, कार कार है, छोटी की मात्रा ही है, लेकिन इसमें जो प्रतिकार है इसमें बड़ी की मात्रा है, ये प्रतिकार है, ये भी शुद्ध है। शब्द शुद्धि में अगर प्रतिकार आ जाए तो भी आप उसको शुद्ध माने और प्रतिकार को तो मानेंगे या। अब देखो आगे चलते हम लोग, प्रतिहारी, हारी यानी हरण करने वाला, ले जाने वाला, साथ ले जाने वाला। हम किसी से मिलने जाते हैं गेट पर और वहां से एक चपरासी हमको किसी से ऑफिसर से मिलने ले जाता है, तो वो चपरासी समय प्रतिहारी है, हमारा एस्कोर्ट है, हमें दूसरी की जगह किसी को ले जाना है, हमको पता नहीं वो कहां है, तो ले जा रहा है, हमारे साथ साथ जा रहा है, उसे प्रतिहारी कहते हैं। पहले राजा से मिलाने के लिए राजा के महल के बाहर दरवाजे पर जो व्यक्ति होते थे, और वो जब राजा से मिलाने के लिए जाते थे, राजा किस कमरे में बैठे,
उस व्यक्ति को कहते थे प्रतिहारी। इसमें देखो जैसे प्रतिकार में ये शब्द भी सही है और ये शब्द भी सही है, उसी प्रकार से प्रतिहारी और प्रतिहारी दोनों के दोनों सही है। इसमें संयोग है और इसमें संधि है, बड़ी की मात्रा होगी, ये प्रतिहारी है। लेकिन अपवाद है, देखो है में तो कोई ऐ और आ है ही नहीं, लेकिन छोटी ही बड़ी में चेंज हो गई, यही तो इसका अपवाद है। ऐसे ही देखो प्रतिघात है, ये तीसरा शब्द है संस्कृत का, प्रति तीनों ही प्रति उपसर्ग से, और इसमें छोटी भी सही है और ये भी सही है। ये तो शब्द शुद्धि की दृष्टि से सब सही हो गए, लेकिन इनमें तो संयोग है। हम हिंदी में लगभग ये छोटी वाला ही काम में लेते हैं, लेकिन संस्कृत में ये शब्द भी चलते हैं, इनको समझने की जरूरत है। और इनमें छोटी यहां कोई भी ई नहीं है, और छोटी इन तीनों में बड़ी बन गई है, तो ये छोटी जो है ये छोटी बड़ी बनने, ये हमारा एक अपवाद और है, ये हमें ध्यान रखने की बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रतिघात में चोट पहुंचाना, प्रतिघात, घात यानी चोट पहुंचा, एक ने किसी को चोट पहुंचाई, उसने उसके बदले दूसरी चोट पहुंच, दूसरे के उस पहले वाले के चोट पहुंचा दी, तो पहले वाले ने तो घात किया और दूसरे वाले ने प्रतिघात किया, घात के बदले घात, ये शब्द का अर्थ है। इसमें भी ये दोनों सही है और प्रतिघात हो गया चोट के बदले चोट, और दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब ई ए में चेंज हो रहा है, देखो ई ए में चेंज हो रहा है तो प्रतिअक्षी, और आप जानते हैं ये प्रत्यक्ष बनता है, ये प्रति और हम लोग अक्ष से संधि कर देते हैं, प्रति और अक्ष, लेकिन अक्ष का अर्थ होता है धुरी संस्कृत में, और ये धुरी से संबंध नहीं है, आंख से संबंध है। वो मेरे प्रत्यक्ष खड़ा था, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, प्रतिअक्ष यानी इधर मेरी आंख है सामने वो है, प्रतिअक्षी आंख के सामने, तो वो प्रतिअक्षी शब्द है। लेकिन जहां पर भी ये अक्षी शब्द आएगा संधि करेगा, अक्षी नहीं रहेगा, अक्ष हो जाएगा, इसलिए ये प्रतिअक्षी है। सहस्र अक्षी, हजार आंख वाला इंद्र को कहते हैं, और वो सहस्राक्ष है, बहुरी समास है, जिसके हजार आंखें हो, आंखें तो वही दो हैं, लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है, राजा के गुप्तचर फौज पुलिस सब आंखें होती है, इन सब आंखों से वो पूरे राज्य को देखता है, इसलिए कहलाता है सहस्र अक्षी, सहस्राक्ष, हजार आंख वाला राजा, और यहां पर है इंद्र, इसलिए ये बहुरी समास है। देखो इस शब्द को आप सब जानते हैं, रात्रि, रात्रि छोटी से लिखा जाता है, लेकिन ये नवरात्र बनता है। अब यहां पर एक थोड़ा सा शब्द शुद्धि के मसले को और अच्छी तरह समझ लीजिए। देखो नव और रात्रा, हम वो गांव में बोलते हैं नवरात्रा, वो नवरात्रों में आएगा, नवरात्रा शब्द अशुद्ध। इसी प्रकार से अगर नवरात्रि भी आ जाए शब्द, नवरात्रि, ये शब्द भी अशुद्ध है, क्योंकि नव के साथ जो ही रात्रि जुड़ेगा तो ये ई का लोप हो जाएगा, और शुद्ध शब्द केवल नवरात्र है, न तो नवरात्रि है और न नवरात्रा है। आगे देखिए दिवारात्र, दिन रात, दिवा कहते हैं दिन को, रात्रि रात्र, और ये फिर दिवारात्र हो जाएगा। ऐसे ही देखो हम यहां पर आते हैं, आ ए में बदल जाता है। देखो यथा इच्छा, आप पढ़ चुके, यथा इच्छा क्या बन जाता है, यथेच, यथेच्छा गलत, यथेच, आ एम चेंज हो गया इच्छा का। इसी प्रकार से अल्प इच्छा, आप पढ़ चुके क्या बनेगा, अल्पेच, ये पहले भी अपवाद के रूप में बताया था, ये सब फिर यहां अपवाद में डिस्कस कर रहे हैं। चित्र उपमा, अद्भुत सुंदर, जिसकी उपमा चित्र से ही दी जा सके, और ये क्या बनेगा, चित्रोपम। देखो इनमें ये गुणसंधि अलग है, यथा इच्छा यथेच, ये तो गुणसंधि है, ये भी गुणसंधि है, ये भी गुणसंधि है, लेकिन सवाल तो इस आ के गायब हो जाने का है, आ का गायब नहीं हो रहा है, आ ए में बदल रहा है, इसलिए इसको हम लोग अब इसको देखिए। अप और अंग, ये खास प्रकार का एक शब्द है। देखो अप उपसर्ग, अप का अर्थ सामान्यतः खराब के अर्थ में चलता है, उसने अप शब्द कहे, खराब शब्द किए, उसने अपमान किया, उसने बुरा मान किया, बेइज्जती की, तो अप अंग, जिसका अंग ठीक नहीं है, जिसका अंग खराब है, ये इसका अर्थ है अप अंग। अब देखो एक इसमें
अपंग की दो संधियां, एक येरी एक येरी, इस शब्द की दो संधियां होती हैं। नीचे वाली को समझें पहले, अपांग। ये जो आंख का कोना है जिसे हम शैतानी में इशारा करते हैं, इसको अपांग कहते हैं, अपअंग। ये दीर्घ संधि है, इसमें अ और ए, ये अप में अ है, ये अप में अ है और अंग का अ है, और ये दोनों के दोनों मिलके आ हो गया, तो अ और ए आ हो गया, दीर्घ संधि है, आंख का कोना है और ये नियमित संधि है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, नियम के अनुसार अ और आ हो गया, इसमें अपवाद नहीं, अपवाद इसमें है। इसमें क्या हुआ, ये जो अ है इसका ए, इसमें एक तो ये ए था और एक येरा ए, ये दो ए थे और यहां आकर के एक ही रह गया, पे में केवल एक ए है, इसका मतलब ए रे को आ होना चाहिए था जैसा कि इसमें हुआ, इसमें तो नहीं हुआ, अपंग में तो नहीं हुआ। अपंग शब्द को हम काम में लेते हैं तो अपंग शब्द का अर्थ हुआ बुरा अंग और उसमें अप उपसर्ग है और अंग शब्द है और ए और ए मिलकर के ए ही रह गया, इसलिए अपवाद है, आ नहीं बना, इसमें अपवाद नहीं है। लेकिन इस शब्द का सवाल, तो इस शब्द का अपंग बना किससे, अप और अंग। देखो हम झंझट में आ सकते हैं, हम झंझट में आ सकते हैं, हमारे पास अपंग आ गया शब्द और उसके विकल्प में एक आ गया अप और अंग और दूसरा विकल्प आ गया अप और अंग, ये दो विकल्प आ गए। अब आप सोचिए, हम तो ये सोचेंगे अपंग में इस पे तो आधा है ही, ये पे और ए मिलकर के पूरा पे बन गया, इसका मतलब ये मामला सही और हम इसको टिक कर जाएंगे और हम वहीं गलत हो गया। देखो ये मामला ऐसा नहीं है, ये जो अप है इस अप में से ए और ए को मिलकर के ए ही रह गया, इसलिए इसको पूरा मानेंगे अप अंग। संस्कृत में अगर ये कर गए ना हम अप और अंग, संस्कृत में अब कहते हैं पानी को, तो पानी का अंग थोड़े है वो तो बुरा अंग है, शब्दों के अर्थों में नहीं जाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हम स्वीकार नहीं करेंगे इसकी संधि, और यहां पर अप ही स्वीकार करेंगे क्योंकि अप का अर्थ होता बुरा, उपसर्ग है तो उपसर्ग को स्वीकार करेंगे और इसका संधि विच्छेद यही होगा हमारा। तो मित्रों इसको ये समझें कि ये इसका संधि विच्छेद यह है नंबर वन और इसमें संधि का अपवाद है। हाँ मित्रों, स्वर संधि के समापन पर मैं आयादि संधि में से आए हुए कुछ जो प्रश्न हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखो आयादि संधि कितनी इंपॉर्टेंट है और आयादि संधि की दृष्टि से इनको आप थोड़ा देखेंगे। देखो बीएसटीसी में दायिनी शब्द आ गया, अब दायिनी में कैसे करेंगे आप, यह में से क्या करोगे, यह में स्वर कौन सा है, ई और ये नी, इनी और इधर बचा ये, और ये के पहले इधर क्या है, आ, आय है और आय किस में बदलेगा, आई में, और आई की मात्रा कितनी होती है, दो, और वो दो किस पे लगेगी, दई, तो संधि विच्छेद क्या होगा, दई इनी। ये पढ़ चुके हम लोग तो मैं तो फिर भी और उसको दोहरा रहा हूं, तो दायिनी यानी लाभदायिनी देने वाली है, लाभ देने वाली, ये तो दायिनी, देखो दायिनी शब्द है, भावुक शब्द आया हुआ है, भावुक गायन आया हुआ है, नायक आया हुआ है, देखो पटवार में काफी इसमें आए 2011 में, अलग अलग दे दिया उन्होंने, हाँ तो उसमें देखो दायिनी का दायिनी हो गया, भावुक का क्या करेंगे, वुक में क्या करेंगे, वुक वे में से क्या निकालोगे, वे में से क्या निकालोगे, उक, ये रहा उ, और वे के पहले आ है, अगर आ हो गया तो क्या करोगे, भो करोगे या भव करोगे, वह के पहले आ है तो भो नहीं करके भव करोगे, तो देखो ये भावुक हो गया, भव और उक, ये गायन हो गया, यह है अन और आई, आय हो गया ना, गाय आय आई हो गया, इसी प्रकार से ये नायक हो गया, नई और अकनायक, ऐसे श्रावक, वह है ये वह है, वह तो आव है, आव 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 से बनेगा औ, ये श्रावक हो गया, ये गविंद्र है, गौर इंद्र, वे में से क्या निकालोगे, इंद्र, और ये गविंद्र है, गो ओ, वे में से ई निकालिया, इंद्र हो गया, तो ये गविंद्र हो गया, ये पवित्र बता चुका हूं आपको, ये अपवाद है, पुअरित्र,
पावक है पौ जलाने वाला, पावक अग्नि को कहते हैं, पौर अक् जो जलाता है, और पवन पो बहने को कहते हैं, जो बहता है वो हमारा। कुछ शब्द हैं, अब हमने स्वर संधि का समापन किया है। कल आप लोग यण संधि और अयादि संधि के टेस्टों को मजबूती से आप करके लाइएगा। इसके साथ कल हम लोग इनका करके फिर हम लोग व्यंजन संधि की ओर चलेंगे। स्वर संधि मित्रों महत्व की दृष्टि से करीब 60-65-70% इम्पोर्टेंट है ये पांचों स्वर संधियां, इसलिए इनको अच्छी तरह से आप मजबूत कर लीजिए और फिर हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग विराम लेते हैं, धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर आने वाले वीडियोस पर कमेंट्स कीजिए।